हाय, मैं मुंगवा किचन इंडिया मुंगवा में आप सबों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को मछली की तेल की पकौड़ी बना के दिखाऊंगी। मछली का तेल सब कोई फेंक देते हैं, इसे फेंकिए मत, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अगर पकौड़ी भी बना के खाएंगे तो भी सर मने फायदा करेगा आपको, और खाने में भी अच्छा लगता है। इसको बनाने के पहले आप इसे अच्छी तरह धो ले और इसमें जो नीला रंग का पीत रहता है उसे फेंक दे, और फिर इसे पकौड़ी बना के खाइए। और मैं आज आप लोग को इसी को तेल की पकौड़ी बना के दिखाने जा रही हूँ। तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट्स करे, शेयर करे, और मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करे। ये मछली का तेल है क्या? हाँ देखिए, मछली का तेल है, हाँ इसे मैं प्याज के साथ और मसाले डालकर पकौड़ा बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। मछली का तेल सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, हाँ ये तो और कहा जाता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं ना। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि मछली का तेल विशेषकर हार्ट के रोगी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और सभी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ ये कहा जाता है कि इसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता हाँ, है, ओमेगा 3 ज्यादा और होता जिसके है। चलते हर तेल को खाने के लिए लोग मना करते हैं तेल, लेकिन हाँ मछली के तेल के लिए वो रेकमेंड करते हैं कि नहीं, हाँ मछली का तेल खाना चाहिए, खाना चाहिए और इसे इसमें। आप किसी भी तरह बना के खाए, पकौड़ा बना के खाए, या हम लोग एक बंगाली लोग एक बनाते हैं, सभी सब्जी को मिलाकर उसको हम लोग इसके चचरी तेल बोलते हैं, में उसमें भी ये तेल डाल चरचरी के। बनाते हैं, वो तरह तरह के सब्जी मिला के बनाते हाँ हैं, उसमें भी इस तेल दे दिया जाता है, वो हाँ टेस्ट को तो अच्छा आज मैं आप लोग को पकौड़ा एक बना पकौड़ा के बनाकर दिखाऊंगा। दिखाऊंगी। ये आप मछली के तेल में कुछ मिलाने जा रहे हैं? हाँ, पकौड़ा बनाने के लिए हाँ मैंने इसमें धनिया पत्ती डालूंगी, थोड़ी सी ये क्या अदरक लहसुन की पेस्ट है। लहसुन? अच्छा अदरक लहसुन की पेस्ट वैसे हाँ, दी। और ये बेसन मैं डाली हाँ 2 चम्मच के करीब, अच्छा और प्याज को काट के रखी, और हरी मिर्च भी डाल दी, हाँ और थोड़ी सी नमक और हल्दी डालूंगी। ये सब मछली का तेल है, आप सब ऐसे मिक्स अप कर दे रही हैं, इसका पकौड़ा बनाएंगे। नमक नमक है। स्वाद अनुसार नमक मैं डाल दी। मिला रही है। इसमें अपने और थोड़ा सा बेसन मिलाया, हाँ, दो बेसन चम्मच मिला। बेसन और हाँ, मिलाया, मैंने 5 चम्मच के करीब, बेसन है हाँ बेसन है, और इसमें और आधी छोटी आधी प्याज ली मैं, और और हरा मिर्च 2-3 ली, लाल मिर्च भी दिया आपने इसमें, थोड़ा लाल पाउडर मिर्च दी, हल्दी दी, पाउडर। नमक दी, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी, थोड़ी सी पानी लगेगी। हाँ, तो मेरी तेल गरम हो चुकी है, मैं अब पकौड़ा तलने जा डालने रही जा हूँ। रहा हूँ, पैन में डालने जा रहे हैं, तेल में, तेल गरम हो चुकी है। ये तेल लेते समय आपको वो देखकर मछली वाले से आप बोलना कि वो पीत जो रहता है उसको निकाल देना, और थोड़ा सा साफ करके दे देंगे वो, नहीं तो कड़वा लगता है उसका पीत रह जाने से, और जो गंदगी रहता है उसको भी निकाल देता है मछली वाले लोग, फेंक देते हैं। जब ये दोनों तरफ से लाल हो जाएगा तब आप निकाल लेंगे। हाँ, खाते हैं उसी तरह ठीक आप पकड़ पकौड़ा जैसे बनाइए। ठीक पकड़ जैसा बना रहे हाँ, हैं। और इसे अच्छी तरह साफ करके तेल को बनाए, पीठ जो है उसको निकाल दीजिए, और जो मोटा मोटा जो इसका ये सीरा टाइप का होता है, मोटा मोटा अतरी टाइप का नातरी टाइप का जो होता है, निकाल देना। उसको निकाल के फेंक दें।
हाँ तो मेरे ये पकौड़ा बन के तैयार है। ये थोड़ी सी तेल पीस लिए, थोड़ा ही आठ, पीस बना है। हाँ आठ हाँ पीस बना है। इसे मैं सॉस प्याज और हरी मिर्च से सजा रखी। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या चावल दाल के साथ भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सेहतमंद रहें सभी को।